こんにちは。यो यो यो एनीमे लवर्स, वन पीस का चैप्टर 1035 की स्कैन्स आर आउट. परसों आ गया था लेकिन वीडियो आज बना रहा क्योंकि परसों एग्जाम था मेरा, कल भी एग्जाम है मेरा, तो थोड़ा सा सॉरी. आई होप इसमें भी 2 के व्यूज़ आ जाए. वैसे मैं अभी बता दूं कि अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि मैं इस चैप्टर की तारीफ करने वाला बहुत ज़्यादा, तो मुन्ना मैं ऐसा नहीं करने वाला. जो इस चैप्टर में अच्छा लगा मेरे को और जो चीज़ मेरे को बेकार लगा सब बताएगा मैं. आई मीन दैट्स वाई आई मेक ये मांगा वाला वीडियो, राइट? क्योंकि मेरे को अपना ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन रखने का होता है. आयो चलो अब मैं तुमको एक मस्त वेबसाइट के बारे में बताता है, बिलीबिली कॉमिक्स. इसमें बहुत मस्त मस्त कॉमिक्स है. ये वेबसाइट फ्री है, इसमें बिल्कुल एड्स नहीं है. प्लस यहाँ पे इतने सारे कॉमिक्स हो भी, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज के. डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लेना. एंड इंटीरो येलो, लेट्स बिगिन. वेल, मैनी ऑफ यू बोलेंगे कि दिस चैप्टर वॉज अ फायर, आग, मास्टरपीस, एकदम मस्त, गोडा इज जीनियस. मुन्ना मेरे को इतना खास नहीं लगा ये. एंड द मेन रीज़न मेरा ऐसा बोलने का है कि चीज़ें बहुत रश हुई है इस चैप्टर में. ठीक है यार, ओडा वानो को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं या फिर ओडा सांजी और जोरो के फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो लूफी काइड या फिर बिग मॉम लॉफ किड वाले फाइट पे ध्यान दे, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतनी जल्दबाजी करेंगे भाई. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सांजी और क्वीन का फाइट का कंक्लूजन दिखा दिया ओडा ने. सांजी इज़ द विनर. सांजी ने क्वीन को ऐसा लात मारा कि क्वीन ओनिगाशिमा के बाहर गिरते हुए दिखा है. आई गेस कि अब वो सीधा पानी में गिरेगा डुपुक करके. सांजी फिर वो चुटकी को उसका चूहा देके मस्त बेहोश हो गया. ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. मेरे को लगा था कि इनका फाइट जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन इतना जल्दी. लमाओ मेरे को क्वीन का पॉइजन पिंक देखने का था यार. उसने सारे विंसबॉक का पावर यूज़ किया था बट रेजू का पावर यूज़ करना बाकी था. अगर इस फाइट का कंक्लूजन इसी चैप्टर के लास्ट में भी दिखा देते ना तो भी ठीक था. बट इस लेम से रश्ड कंक्लूजन की वजह से मैं सांजी क्वीन से इंटरेस्ट खो दिया, टू बी ऑनेस्ट. आई होप, वैसे क्वीन हार गया पक्का से, बट फिर भी आई होप कि क्वीन अभी हवा में उठ के मस्त वो वेरोनिका जैसे उड़ उड़ के कुछ हरकत करे, ऐसा हरकत जिससे कुछ इंटरेस्ट बना रहे. जैसे कांजुरो, उसको सब चाहते थे कि वो मर जाए लेकिन फिर भी वो फायर डेमन बना के ही हारा, ऐसे ही क्वीन के साथ भी होना चाहिए. या फिर सांजी को कोई ओपोनेंट दो, लाइक CP0 का कोई मेंबर, मतलब या बट इसके चांसेस कम है. सांजी का रोल इन दिस वॉर इज ओवर आई गेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइट जिसने बहुत जोरो फैंस को हॉर्नी कर दिया, आई डोंट नो व्हाई. जोरो वर्सेस किंग, जो कि लमाओ इस चैप्टर का नाम भी है. दिस फाइट वॉज टू बी ऑनेस्ट ओके फॉर मी. अच्छा था फाइट बट एकदम भी अच्छा नहीं. 1033 या 1034 में अपन ने देखा था कि जोरो हाउशो को कोटिंग करने लग गया था, जिसको देख के आई डोंट नो व्हाई बहुत लोग सोच रहे थे कि जोरो को आ गया है कोटिंग. आई मीन जोरो को अभी भी पता नहीं है लमाओ कि ही कैन यूज कॉन्करर्स हाकी. वेल, बिग ब्रेन जोरो को समझ आ चुका है कि किंग के पीछे का फायर जब भी कम होता है उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है बट उसका डिफेंस बहुत कम हो जाता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ बिग ब्रेन जोरो. वैसे किंग का फेस रिवील हो गया है एंड ही इज हैंडसम ब्रो, बट आई कांट से द सेम थिंग अबाउट हिज बीस्ट फॉर्म. कितना फुद्दू दिख रहा है भाई किंग बिना मास्क के अपने बीस्ट फॉर्म में. किंग के हैं वाइट बाल, ब्लैक विंग्स एंड डार्क स्किन और अकॉर्डिंग टू सम काइडो के टट्टे लूनेरियंस के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को बताने वाले को वर्ल्ड गवर्नमेंट 100 मिलियन बेरीज देती है. इस चैप्टर्स में जो अटैक यूज हुआ है ना वो बहुत अच्छा लगा मेरे को. किंग ने जो आग का ड्रैगन सा बना के अटैक किया उसको देख के मेरे को बहुत मस्त लगा. जोरो और किंग का फाइट ऐसा मेरे को इतना खास नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ एक्शन, बट अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि ये दोनों अपने अपने आइडियोलॉजी और अपने अपने बिलीव्स को डिफेंड भी कर रहे हैं. एक तरफ है जोरो जो कि ये बोल रहा है कि लूफी पायरेट किंग बनेगा, दूसरी तरफ है पायरेट किंग जो कि बोल रहा है कि काइडो पायरेट किंग बनेगा. इन लोग अपने अपने कैप्टन्स के ड्रीम को भी डिफेंड कर रहे हैं वाइल फाइटिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो मेरे को मतलब देख के लगा कि ये हुई ना बात, वो था किंग और काइडो का पास्ट, और आई शुड से आर्बेर और काइडो का पास्ट. मस्त लगा यार, मज़ा आ गया. चीज़ें जो कि तुमने शायद इग्नोर कर दी होगी जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में इस पास रिलेटेड. पहला कि लूनेरियंस के बारे में काइडो को पहले से पता था. दूसरा कि काइडो और किंग जब एक्सपेरिमेंट लैब से निकले, और आई शुड से कि पंख हजार्ड के लैब से निकले क्योंकि उसके जैसे ही दिख रहा है भाई ये वाला लैब भी, तब काइडो के हाथ में सी प्रिज्म स्टोन से बना कफ्स था लमाओ. और अभी कोई मत बोलना कि भाई वो तो नॉर्मल कफ्स भी हो सकते हैं ना,
वो ना काइडो को डेलफ्रूट गॉड वाले इंसिडेंट के टाइम पे मिला था, विच मीन्स कि काइडो जब डिसाइड किया था पायरेट नू बनाने का विद किंग एज इज राइट हैंड, तब वो ऑलरेडी एक डेलफ्रूट यूजर था और उसको रोकने के लिए ऑब्वियसली सिर्फ प्रिज्म स्टोन यूज किया हुआ यार, मतलब इट्स कॉमन सेंस। पर फिर भी काइडो हलवे की तरह वहाँ से निकल गया। डैम दिस मॉन्स्टर यार। एंड यंग किंग ने जब काइडो से पूछा कि तू वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, काइडो सेड मैं ही बस वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। एकदम बैड एज बाजी। हाँ वैसे किंग कितना यंग था यार जब काइडो से मिला था, और काइडो का तो मेरे जैसे ढंग से मूज भी नहीं आया था उस टाइम। आई गेस ये जो दिखा है काइडो किंग का, ये 30-35 साल पहले हुआ था। ऑल्सो किंग का ये बोलना कि तू वर्ल्ड को चेंज कर सकता है कि नहीं, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ही इज़ आस्किंग वेदर तू लूनेरियंस के अगेंस्ट का जेनोसाइड और किलिंग रोक सकता है कि नहीं। हाँ, और हाँ, किंग के जो लेफ्ट आर्क के सामने का टैटू है वो पहले भी था, तो इट्स पॉसिबल कि किंग उस टैटू या फिर मार्क के साथ पैदा हुआ था, और मे बी लूनेरियंस का वो सिंबल है, पता नहीं। बैक टू दिस जोरो किंग फाइट। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि जोरो खुद से कॉन्क्रेस कोटिंग नहीं कर सकता, जोरो के स्वर्ड से मैक्सिमम टाइम वो काला बिजली वाला इफेक्ट नहीं निकलते दिखा है। जोरो ने एक्चुअली दो बार ही कोटिंग वाला सीन किया है, एक बार जब उसका स्वॉर्ड्स फंस गया था तब वो कैसे तैसे गलती से कोटिंग करके निकल गया। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई एम रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि जोरो को देख के लगा कि उसने खुद से अपने मर्जी से कोटिंग यूज़ करके अपने स्वॉर्ड्स को किंग के स्वॉर्ड से निकाला, और जो फाइनल अटैक किया जोरो ने, जो कि किंग के ड्रैगन वाले अटैक को काट के किंग को हिट किया, उसको देख के भी लगा कि जोरो ने अपने मर्जी से कोटिंग किया। तुम देखना कि कैसे कोटिंग से पहले ही जोरो कॉन्करर्स हाकी यूज़ कर रहा है ऐसा लगता है, मतलब वो जो आँख वाला इफेक्ट आता है ना वही लगता है। बट आंसर इज हाउ, एक और जो चीज़ प्रूफ करता है कि जोरो ने विलिंगली कोटिंग किया, दैट इज जोरो एक नॉर्मल अटैक किया किंग पे जिससे किंग को हर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसी के बाद तुरंत उसने किंग को कोटिंग करके अटैक किया जिससे उसको हर्ट हुआ। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर सकता कि जोरो इतनी जल्दी कोटिंग कर पा रहा। आई मीन जिसको 5 मिनट पहले ये पता नहीं था कि वो कॉन्करर्स हाकी यूज़ कर सकता है, वो एडवांस्ड फॉर्म यूज़ करने लग गया लमाओ, वो भी विलिंगली। डोंट यू फील दिस इज रश्ड? एंड दिस एग्जैक्टली इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, कि सिर्फ सांजी क्वीन में ही नहीं बल्कि जोरो किंग में भी चीज़ें रश हुई है यार। लूफी को काइडो से मार खाना पड़ा था समझने के लिए कि कोटिंग कैसे करता है वर्क, ठीक है, मतलब कॉन्करर्स कोटिंग कैसे करते हैं, और जोरो को अभी तक किसी ने कोटिंग करके मारा भी नहीं है, फिर भी वो कैसे कर पा रहा है। रूफटॉप फाइट में भी उसको एक भी कोटेड अटैक नहीं मारा था किसी ने, एक बार बस जब काइडो लॉ को मार रहा था तब पता नहीं कैसे बट जोरो को थोड़ा सा लग गया था, बट दैट्स ऑल। सो जोरो यूजिंग एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्करर्स हाकी, वो भी इतनी जल्दी, मेरे को नहीं जमा ये। एंड हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना भाई, जो भी बोल रहे हैं पता नहीं क्यों, मतलब ये चीज़ को डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई एनमा की वजह से जोरो का कॉन्करर्स हाकी मतलब वो यूज़ कर पा रहे हैं, दिस इज़ शिट ब्रो। अगर ऐसा होता तो ओडन ने जब व्हाइटबेड से लड़ा था तब तो उसको कोटिंग कर लेना चाहिए था, राइट? ये बहुत फुद्दू बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एनमा की वजह से नहीं है, ये जोरो खुद से कर रहा है। और हाँ, जोरो ने जो लास्ट पैनल में अटैक किया उससे किंग का एक विंग कट गया लमाओ, राइट विंग आई शुड से। आयरोनिकल चीज़ है ये, क्योंकि जोरो खुद राइट विंग है लूफी का। और द गाइज हुवर सेइंग कि जोरो काइडो को हराएगा या फिर लूफी हराएगा काइडो को और जोरो उसको काटेगा, क्योंकि उस चीज़ का फोरशैडोइंग बहुत टाइम से हो रहा था कि जोरो किसी ड्रैगन को काटेगा। आई गेस दिस इज इट, जोरो ने काट दिया एक ड्रैगन को, आई ई किंग के ड्रैगन वाले अटैक को। वेल, जो मैंने बोला अबाउट जोरोस कोटिंग, दैट इज़ अ प्रॉब्लम आई ऑब्जर्व्ड। सम ऑफ यू माइट से कि ते को पसंद नहीं जोरो भाई, ते को दिक्कत हो रहा है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है, मेरे को जोरो के कोटिंग करने से दिक्कत नहीं है, बट इमेजिन जोरो से पहले अगर जिम्बे कॉन्करर्स हाकी खोल लेता तो तुमको अजीब नहीं लगता कि जोरो स्ट्रॉन्गर है जिम्बे से, फिर भी पहले क्यों नहीं खोला वो? या फिर इमेजिन अगर लूफी को ही ले लेते ना एग्जाम्पल, लूफी अगर आर्मामेंट हाकी से पहले इंटरनल डिस्ट्रक्शन सीख जाता तो तुमको अजीब नहीं लगता? मेरे को बहुत लगता है, क्योंकि भाई जिस बंदे को बेसिक नहीं आता वो भाई एडवांस कैसे, मतलब खुद सोचो ना। मेरे को जोरो के कोटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, आई नो कि वो करेगा भाई, उसको करना भी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी करने से दिक्कत है यार। लौंडा बेसिक नहीं सीखा है अभी तक, एडवांस करने लग रहा लमाओ। आई होप कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ रिवील होगा फ्यूचर में। और जैसे चैप्टर एंड हुआ है देख के लग रहा है कि हार गया भाई किंग, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इतने जल्दी, फिर से रश वाली चीज़ है यार। अभी एक चैप्टर पहले किंग गंदे वाला गुद्दी तोड़ रहा था जोरो का, और अब हार रहा है। अंग्रेजी में इसके लिए वो वर्ड है पता है, प्लॉट आर्मर, जो कि वालों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है पता है। पहले लूफी के साथ हुआ, काइडो स्ट्रॉन्ग होकर भी 3-4 बार हरा के भी उसको नहीं मार पाया, और अभी सबको पता है कि लूफी जीतेगा काइडो के अगेंस्ट, क्यों? प्लॉट आर्मर। और अब ये जोरो के साथ भी हो रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को ये फील आ रहा है कि ओडा को बस जोरो सांजी का फाइट कैसे भी करके कंक्लूड करना था, एंड दिस इज़ वॉट ही डिड। आई एक्चुअली लॉस्ट द इंटरेस्ट इन दिस फाइट लमाओ।
आराम से हरा देता जोरो, इतना जल्दी क्या था यार। दैट इज इट, ये चैप्टर भाई इतना ही था मेरा इसमें ओपिनियन। आई मीन इट वॉज जस्ट टू मच रश्ड, दैट्स ऑल। ये चैप्टर इफ़ यू डोंट नो लास्ट चैप्टर है इस साल का, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है और अब नेक्स्ट चैप्टर सीधा जनवरी में ही आएगा। मैं फिर से बोल रहा, मेरे को इस चैप्टर में जोरो सांझी ने जो किया है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जल्दी कर दिया दोनों ने हरकतें, उससे दिक्कत है। अरे हाँ, ये जो किंग और काइडो का सीन दिखा है लैब से निकलने वाला, मे बी इसी टाइम क्वीन भी इनको ज्वाइन किया, मे बी। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहेंगा कि डोंट गिव अ फक अबाउट माई ओपिनियन। तुमको लगता है कि ये चैप्टर मस्त है, अच्छी बात है भाई, मस्त है। तुमको लगता है तो तुम भाई मानो भाई, ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे को नॉर्मल लगा ये चैप्टर। कमेंट्स में से अपना ओपिनियन ऑन दिस चैप्टर बता सकते हो। नेक्स्ट वीक आई गेस किंग हार जाएगा, नेक्स्ट वीक बोल रहा, नेक्स्ट चैप्टर आई गेस किंग हार जाएगा और लूफी काइडो का फाइट शायद से दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लिंक्स हैं, देख लेना एक बार। बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलना। एंड चलो मुन्ना, चलता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। सायोनारा।